हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं यादव बुरा चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे सामने खड़े हुई है मारुति सुजुकी की अल्टो 800 2022 मॉडल, जो कि सेल होने के लिए आई है। पहले तो आप फ्रंट लुक और साइड लुक देखो, कितना अमेजिंग लग रहा है फ्रंट और साइड लुक। उसके बाद में मैं आपको उसका बैक लुक दिखाता हूँ। बैक लुक पर भी आप देखो, अल्टो की बैजिंग मिल जाती है और मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में आप सेकेंड साइड प्रोफाइल देखो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और अच्छी लग रही है। 800 की बैजिंग दी हुई है यहाँ पर साइड में, ठीक है, इस तरीके से पूरी ये गाड़ी है। गाड़ी आरजे ऑटो सेल्स पर आकर ना सेल हो रही है मात्र 3,90,000 रुपये में। तो गाइज, आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। इसके बारे में कुछ है ना जानकारी और फीचर्स मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाता है सामने, आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ग्लॉसी लग रहा है, पूरा का पूरा सिल्वर कलर में दिया हुआ है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलाइट में क्या नाम है हेलोजन बल्ब मिलते हैं, दो अपर और डिपर के लिए, और एक हमारा इंडिकेटर मिलता है। और जैसे ही हम साइड में आएंगे तो हमारा कुछ टायर साइज इस तरीके से मिलेगा। अगर मैं इस गाड़ी के टायर साइज की बात करी जाए ना, तो 145/80R 12 इंच के आपको टायर मिलते हैं। सीएट के टायर लगे हुए हैं बिल्कुल न्यूली। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये एलॉय व्हील में नहीं आती है, ये अपना सादा व्हील में आती है। केवल एक कवर मिल जाता है आपको सिल्वर कलर का, और बीच में मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ठीक है गाइस। यहाँ पर आपको 800 अल्टो की बैजिंग मिल जाती है देखने के लिए। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, ठीक है। ORVM पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है अपने हाथ से, ठीक है। इस तरीके से आपको गेट पे है ना चाबी का की मिल जाता है लगाने के लिए, और गेट अनलॉक कर सकते हैं आप। और वैसे इसके अंदर सेंट्रल लॉक लगा हुआ है, जब हम इसको आपको है ना चाबी दिखाएंगे तो आप इसमें देख लेना। और कुछ डोर इस तरीके से ओपन होगा इसका, ठीक है। बाकी की फ्यूल टैंक अपना ये आ गया इसमें, ठीक है, पेट्रोल वर्जन है ये, और पेट्रोल में फ्यूल टैंक इस तरीके से, CNG फिटेड नहीं है ये गाड़ी। इसके बाद में हाँ, अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाते हैं, ये बैक कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको अल्टो की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाता है बैक प्रोफाइल पे, कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा डिज़ाइन है बैक का, ठीक है। नीचे आपको दो सेंसर्स मिल जाते हैं, कैमरा इस गाड़ी में नहीं मिलता है गाइज, ठीक है। चारों टायर इसके बिल्कुल सीएट के डले हुए हैं, और 12 इंच के टायर गाड़ी के अंदर आते हैं। इसके बाद में मैं आपको फटाफट बता दूं, जैसे ही गाड़ी को आप खोलोगे, इस तरीके से पूरी की पूरी अल्टो की पूरी इंटीरियर डिज़ाइन कुछ इस तरीके से। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। चलो गाइज, अब इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। इंटीरियर डिज़ाइन के बाद में मैं आपको इसकी चाबी दिखा दूँ, कुछ इस तरीके की चाबी आती है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगाया हुआ है पूरा पूरा मारुति सुजुकी ने, ठीक है। इससे आप लॉक और इससे अनलॉक कर सकते हैं पूरी गाड़ी को। अभी मैं इसको ना इंजन स्टार्ट करता हूँ इसका, और आपको इसका इंजन साउंड सुनाता हूँ, वो भी 797 CC का इंजन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा पेट्रोल इंजन दिया हुआ है। अब इसको ओपन कर लेता हूँ मैं गाइस, बोनट खोलता हूँ मैं फटाफट इसका। ये खुल गया गाइस, 797 CC का इंजन दिया है, पेट्रोल इंजन दिया है। आपको कैसा लग रहा है एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। इसको अपन लॉक कर देते हैं यहाँ से, ये देखो गाइस, पूरा का पूरा 797 CC का इंजन दिया हुआ है। इसके अंदर आपको यहाँ पर कूलेंट मिल जाता है, ये आपकी बैटरी आ जाती है पूरी की पूरी इस तरीके से। ये आपका तीन बल्ब इंजन, मतलब तीन सिलेंडर इंजन मिल जाता है आपको इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से आप इंजन ऑयल फिल कर सकते हैं। ये अपना ब्रेक का हो गया पूरा का पूरा, ब्रेक ऑयल इसमें डलता है, ठीक। गाड़ी का इंजन इस तरीके से, इसको मैं एक बार आपको चालू करके और दिखा देता हूँ। चालू करने के लिए मेरे को सबसे पहले चाबी लगानी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। गाड़ी ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं सामने। इसका AC अपन ऑफ कर देते हैं अभी फटाफट, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाइस, गाड़ी का साउंड आप सुन सकते हैं, इस तरीके से आ रहा है पूरा पूरा। गाड़ी स्टार्ट है हमारी, चाबी हमने बाहर निकाल ली वापस, हम अपना बोनट बंद कर देते हैं। कुछ इस तरीके से था ये पूरी चीज़ है, हमने आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दी। फटाफट अब चलते हैं इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, और बाकी सारी जानकारी लेते हैं। पानी यहाँ से भरा जाएगा इसके अंदर, जो अपना है ना वाइपर चलाता है। गाइज, मैं एक बार और बोलना चाहूँगा, RJ ऑटो सेल्स पर आइए, और ये गाड़ी सेल हो रही है। आपको कैसी प्राइस लग रही है 3,90,000 मुझे कमेंट करके बताएं। 2022 मॉडल पेट्रोल वेरिएंट है ये, अल्टो 800 है हमारे पास में। गाइस, अब हम आगे बात करते हैं इस गाड़ी के ऊपर, जो आपका क्या नाम है लंबाई आने वाली है, वो आपको है ना पूरी की पूरी 3,445 mm की मिलने वाली है, 3,445 mm की। और क्या नाम है चौड़ाई आपको मिल जाएगी 1,515 mm की, हाइट आपको मिल जाएगी 1,475 mm की। 4 से 5 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं आराम से। इसके बाद में ग्राउंड क्लियरेंस आपको भाई मिल जाता है 160 mm पर, जो
भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी आपको 35 लीटर की मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्यारी तरीके से दी हुई है भाई। इसके बाद में चलते हैं अपन सीधा का सीधा बूट स्पेस पे, और बूट स्पेस पे आने के बाद में आपको जो बूट स्पेस मिलने वाला है गाड़ी के अंदर, वो आपको मिलता है पूरा का पूरा 190 लीटर का, जो कि अल्टो 800 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 190 लीटर का बूट स्पेस। बाकी तो गाइज चलो इसके अंदर का इंटीरियर वगैरह मैं आपको बता दूँ फटाफट क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये हमारा गेट, गेट को यहाँ से हम लॉक खोलेंगे इसका इस तरीके से। यहाँ पर गेट पे आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, केवल गेट अनलॉक करने के लिए मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। इसके नीचे आओगे तो आपको हेडलाइट सेट करने के लिए मिल जाता है पूरा का पूरा। यहाँ से आप अपनी हेडलाइट की लाइट सेट कर सकते हैं, कितना ऊपर ले जानी कितना नीचे ले जानी है, अपर और डिपर दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको नीचे क्लच, क्या नाम है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर तीनों चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पर आओगे आप साइड में तो यहाँ पर आपको डिग्गी का अनलॉक करने के लिए और पेट्रोल फ्यूल टैंक खोलने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको क्या नाम है बोनट खोलने के लिए जगह मिल जाती है पूरी की पूरी। सीट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसकी, आगे और पीछे कर सकते हैं यहाँ से, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा। चलो अब गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं फटाफट। ये हमने अपनी अकॉर्डिंगली गाड़ी बिल्कुल सेट कर लेते हैं, कर ली, हम इतना ही ड्राइव करते हैं गाड़ी को, ठीक। गाड़ी का हम ये बंद कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से एक बार। ये देखो भाई मीटर की लाइट कुछ इस तरीके से आएगी, एक बार और स्टार्ट करता हूँ मैं गाइस आपके लिए। ये देखो इस तरीके से आएगी, जैसे ही मैं गाड़ी ऑन कर दूंगा ना, ये गाड़ी ऑन हो चुकी है हमारी। एक बार आप साउंड सुन लो। ओके गाइस, हम इसका एसी स्टार्ट कर लेते हैं 2 पर, ताकि हमें गर्मी कम लगे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फटाफट। आपको इसमें है ना केवल और केवल एनालॉग मीटर मिलता है, ठीक है, नीचे आपको डिजिटल मिल जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको किलोमीटर दिखाएगा ओनली, और आपको फ्यूल दिखाएगा, ठीक है। हम आपको चेंज करते हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा ट्रिप ए आ जाएगा और ट्रिप बी आ जाएगा, और इसके बाद में टाइम आ जाएगा, और टाइम के बाद में सीधा का सीधा किलोमीटर दिखाएगा। गाड़ी चल चुकी है 5706 किलोमीटर, ये दिखा रहा है ना, हाँ 5706 किलोमीटर, ठीक है गाइज। ये गाड़ी इतनी रनिंग चल चुकी है अभी, ठीक है। और यहाँ पर आपको 100 स्पीड की टॉप स्पीड मिल जाती है इस तरीके से। इंडिकेटर के साइन आपको ऊपर देख रहे होंगे, मैंने अभी चालू कर दिए हैं इस तरीके से पूरे पूरे। अगर मैं हैंडल की बात करूँ जाऊँ तो हैंडल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाता है और एक एयर बैग मिल जाता है आपको यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। हैंडल्स के ऊपर आएंगे यहाँ पर तो आपको 2 कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट चालू करने के लिए और क्या नाम है इंडिकेटर देने के लिए इस वाले चीज पे। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वाइपर चालू करने के लिए पूरा पूरा, और अपर और डिपर मिल जाता है ऐसे करके। ये वाइपर स्टार्ट हो गया, पानी वानी जितना भी आपको चलाना है ये सारी चीजें मिल जाएंगी। साइड में आएंगे हम, साइड में एसी की वेंट्स कुछ इस तरीके से दिए हुए। म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं दिया हुआ है गाइज, आप म्यूजिक सिस्टम बाहर से इंस्टॉल करा सकते हैं, ठीक है। आईआरबीएम आपको हाथ से सेट करने पड़, वो सॉरी ओआरबीएम आपको हाथ से सेट करने पड़ते हैं, और आईआरबीएम पर आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। सनवाइजर पे भी आपको कोई भी बैजिंग नहीं दी हुई है, सिंपल सनवाइजर दिया है एक साइड वाला ड्राइवर वाला, और सेकंड साइड में आपको एयरबैग की बैजिंग दी हुई है, और यहाँ पर आपको भी अंदर भी एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है सनवाइजर पे। इसको बंद कर देते हैं गाइस, यहाँ पर भी आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग लगे हुए हैं। साइड वाले एसी के वेंट्स आपको गोल मिल जाते हैं पूरे के पूरे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये चीजें मिल जाती है 2 एयरबैग के साथ में। लाइट का आप इस तरीके से चालू कर सकते हैं, इसकी इस तरीके से बंद कर सकते हैं गाइज। अगर मैं इसके है ना क्या नाम है स्पीकर की बात करूं तो आपको 1, 2 और आपको 2 स्पीकर आगे मिल जाते हैं, पीछे वाले गेट पे कोई स्पीकर नहीं। अभी अपन पीछे चलेंगे तब जाके देखते हैं गाइज, ठीक है। सेंट्रल लॉक है, चलाओगे तो ऑटोमेटिक लॉक भी है, जैसे ही आपकी 20 से स्पीड ऊपर जाएगी गाड़ी ऑटो लॉक हो जाएगी। अभी इसका टेस्ट ड्राइव करूंगा तो आप अगली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर आओगे तो आपको एसी यहां से कंट्रोल करने के लिए मिल जाएगा, सामने चाहिए नीचे चाहिए ऊपर चाहिए सारी की सारी, और आपको सामने क्या नाम है विंडो पे भी मिल जाता है पूरा का पूरा। यहां से आप फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं एसी की, और यहां पर आपको कूल और बारम दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। ये एसी का बटन दिया हुआ है, यहां पर आपको अंदर चाहिए हवा, यहां पर आपको बाहर चाहिए सारी चीजें ऑप्शन में। यहां पर आपको कुछ भी रखने के लिए मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर 1 और 2। इस अगर मैं गियर की बात करूं जाऊं तो गियर आपको है ना 5 टॉप स्पीड के मिल जाते हैं, एक आपको बैक गियर मिल जाता है। यहां पर यहां से आपको 2 विंडो पावर मिल जाती हैं आगे वाली, दोनों की दोनों यहां से आप खोल सकते हैं इस तरीके से, यहां से आप लॉक कर सकते हैं मतलब बंद कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको 2 पावर विंडो मिल जाती है, 2 आपको हाथ से खोलनी पड़ेंगी गाइस। और ये अपना हो गया हैंड ब्रेक जो अभी लगा हुआ है। उसके बाद में अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट आपको गाइस कुछ इस तरीके से मिलेगी गाड़ी की, जो कि कंफर्टेबल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सीट में। ब्लैक कलर के हमारे वो चढ़े हुए हैं क्या नाम है कवर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या नाम है हेड रेस्ट भी मिल जाता है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो कि इनबिल्ड है
गाड़ी के अंदर। तो गाइज आपको कैसा लग रहा है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हमने अपने मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंगली सीट सेट कर ली है ड्राइव के लिए पूरी की पूरी। अब मैं चलता हूँ इसके बैक पे देखता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें और मिल जाती हैं मुझे। मैंने अपना आगे वाला गेट खोल दिया है, मैं आ गया हूँ गाइज बैक सीट पर। तो कुछ इस तरीके से आपको बैक मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी वो चीज़ नहीं दी हुई है, मैं आपको बता रहा था ना स्पीकर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अल्टो की बैजिंग मिल जाती है देखने के लिए। और बैक हमारा कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा डिज़ाइन, आपको कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके बताएं। और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है गाइस। तो ये है हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। एक बार और बता देता हूं गाइस, अल्टो सेल हो रही है मात्र 3,90,000 रुपये में। आरजे ऑटो सेल्स पर आके आप ले सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं पंकज यादव 8002, वहाँ पर भी आपको गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो गाइज़ आपको ये गाड़ी कैसी लग रही मुझे कमेंट करके बताएं। एंड गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।